गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम सिंगल एंट्री की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये कंप्लीट मेथड है या कन्वर्जन मेथड जो जिसे हम कहते हैं उसकी प्रॉब्लम है। एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। मिस्टर रश्मि फर्निसेस यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू हर बिजनेस। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट्स के जो बैलेंसेज हैं वो दिए हैं। फिर लिखा है रिसीव फ्रॉम एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर दे रखे हैं। इसके बाद लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एक्सेप्टेड जो भी है वो इंफॉर्मेशन है। गुड्स कॉस्टिंग 1800 यूज एज एडवर्टीजमेंट मटेरियल। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 33.3% है, ठीक है। एफ पॉइंट में लिखा है डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी, ये फर्दर ड्रॉइंग या कैपिटल मान लें। और 2.5% डेटर्स पे प्रोविजन बनाएं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पता है कि हमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने के लिए एक फेज पर जो रहेगा वो हमारा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट रहेगा और इसके बैक पर वर्किंग नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो हम वही करते हैं। रश्मि की बुक्स में हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं दिसंबर 2014 के लिए। December 1, 2014। और एक बैलेंस शीट बन जाएगी हमारी एज ऑन 31 December 2014, ठीक है। इसके साथ अब वर्किंग नोट्स में जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम करते हैं। एक वर्किंग नोट हमारा बनेगा जिसमें हम कैश एंड बैंक अकाउंट बना लेंगे। ठीक है। फिर एक डेटर अकाउंट बन जाएगा इसमें बिल्स रिसीवेबल के ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं तो एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बना ले। और एक हमारा क्रेडिटर अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारी एक बैलेंस शीट बनेगी जो ओपनिंग बैलेंस की रहेगी 1 जनवरी 2014 की। और इसके अलावा अगर कोई वर्किंग नोट्स बनाने होंगे वो हम ध्यान रखेंगे। ये एक सेट पैटर्न है जिसके बेसिस पर हम काम करते हैं। आपने देखा कि ये पहले से आपको समझाया था कंसेप्ट में। सबसे पहले तो जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं उन्हें आप ओपनिंग बैलेंस शीट में पुटअप कर दें और फिर इनके ओपनिंग बैलेंसेज जहाँ जहाँ पुटअप करने वहाँ कर दें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है फर्नीचर स्टॉक डेटर प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश एंड बैंक
क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिख लें, जैसे फर्नीचर हमारा है 12,000 का, स्टॉक है 16,000 का, डेटर्स 32,000, ठीक है, क्रेडिटर 22,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,200, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस 2,400। अब इन सब के जो बैलेंसेस हैं उन्हें पुट अप कर दें। जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस है, इसमें आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस 2,400 का, डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा 32,000, क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस 22,000। फर्नीचर के लिए हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना होता है, हम इनर कॉलम में इसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 12,000। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, हम सीधा ट्रेडिंग पीएल में इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे लाइन आइटम्स ट्रेडिंग के लिए रहेंगे और फिर ये लाइन आइटम्स हमारे पीएनएल के लिए रहेंगे, डन। चलिए अब एक एक करके हम इन एडजस्टमेंट को पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 3,000 अमाउंटेड टू ₹1,70,000। तो एक तरह से हमें 1,70,000 रुपये मिले और हमने डिस्काउंट दी है 3,000 रुपये की। तो कैश एंड बैंक बैलेंस में लिखेंगे हम टू डेटर 1,70,000 और ट्रेडिंग पीएल में पीएनएल में लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 3,000 रुपये, सही है। चलिए दूसरा लाइन आइटम देखें, कलेक्शन फ्रॉम ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट ऑफ 1,250 बाई द बैंक टोटल ₹12,250। यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराने से हमें कुछ पैसे मिले हैं, तो हमारा बाय बैंक आ जाएगा 12,250 और बाय डिस्काउंट 250। तो बैंक में लिखा जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल 12,250 और पी एंड एल में लिखा जाएगा टू डिस्काउंट जो बिल्स रिसीवेबल पे है वो 250, ठीक है। इसके बाद है क्रेडिटर ऑफ ₹80,000 वर पेड 78,400 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो अब क्रेडिटर को हमने कितना पे किया है टू बैंक 78,400 और जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है वो 1,600 की है। तो बैंक में आ जाएगा जो क्रेडिटर को पे किए 78,400 और जो डिस्काउंट है वो यहाँ आ जाएगी 6,000। ठीक है, चलिए लाइन आइटम अगला पढ़ें, पेमेंट फॉर फ्रेट इनवर्ट 6,000, ड्राइंग्स हुई हैं 14,000, ऑफिस फर्नीचर के लिए 2,000 रुपये। तो ये पेमेंट्स जो हो रही हैं फ्रेट इनवर्ट के लिए पेमेंट हुई है 6,000 की, फर्नीचर के लिए जो पेमेंट हो रही है वो 2,000 की,
और ड्राइंग्स हैं वो हैं 14,000 की, ठीक है। तीनों को जहाँ जहाँ प्लेस करना है उन्हें कर दें। यहाँ हम लिखते हैं कैपिटल, इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग्स। तो अभी हमें ड्राइंग मिल गई हैं, इनको प्लेस कर दें। फ्रेट इनवर्ड्स, सिक्स थाउजेंड हमारा यहाँ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक था 16,000 का, वो ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है। और 2,000 का इन्होंने कहा फर्नीचर में एडिशन किया है, तो ये 2,000 हमने फर्नीचर में ले लिया, ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट कैरिंग, यहाँ से देखो इन्वेस्टमेंट कैरिंग एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4% वर परचेज एट ₹96 एंड पेमेंट मेड देयर ऑफ, ₹200 की फेस वैल्यू के, तो ₹200 का इन्वेस्टमेंट खरीदा एक तरह से इन्होंने और 96 पे खरीदा है। सो एक तरह से 4% इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू है ₹200, 96% पे खरीदने का मतलब है पेमेंट, सॉरी कैश एंड बैंक में जाएगा, ट्रेडिंग पीएल में नहीं, फेस वैल्यू हमारी ₹200 है, खरीद हम रहे 96 पे, यानी कि 192। तो 4% इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ₹192 में। आगे पढ़े, इसके बाद लिखा है एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज हैं 29,000 के और मिसलेनियस रिसीट्स हैं 1,000 की। तो ये हमारा आएगा कैश एंड बैंक में 29,000 के, यस 29,000 के, और मिसलेनियस रिसीट्स हैं 1,000 की, ठीक है। चलिए सो इनको भी अप्रोप्रिएट जगह प्लेस कर दें। एक्सपेंसेस पेड 29,000, मिसलेनियस रिसीट्स 1,000, ओके। चलिए अब देखें आगे, सी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे अब हम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एंड एक्सेप्टेड बाई कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹20,000, ऑफ दीज बिल्स 4,000 वर इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, एन इंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज 800 वाज डिसऑनर्ड। कुल मिला के 20,000 के तो फ्रेश बिल आए, तो टू डेटर्स आप 20,000 के बिलाए, इसमें से 4,000 के बिल आपने क्या कर दिए, इंडोर्स कर दिए, और उसमें से 800 के बिल इंडोर्स बिल डिसऑनर हुए। तो जब इंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री बनती है B2C, डेटर टू क्रेडिटर, ठीक है। अगर आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट अच्छे होंगे
इसको आप ये बड़ी ईजिली कर लेंगे। फिर लिखा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1800 वर यूज एज एडवर्टीजमेंट मटेरियल। तो इसमें तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग से ही एंट्री हो जाएगी बाय एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पर आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट इन गुड्स, जो गुड्स में गई है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, आगे पढ़ें। गुड्स वर सोल्ड इनवेरिएबली, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दे रखा है। डिफरेंस इन कैश बुक अगर कोई भी है तो हमारी कैपिटल या ड्राइंग मानी जाएगी। 2.5% बॉड डेटर्स पे देना। चलिए फ्रेंड, इसके बाद अब जब हमने ये ट्रांजेक्शन सारे कर लिए, अब इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उन्हें हम प्लेस कर देंगे। तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास दिया है 12,700। ये हो रहा है 14,000। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि जो बाकी का है वो डेप्रिसिएशन है। तो हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1300। ठीक है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक हमारा 14,000 का है, क्रेडिटर 30,000 के हैं, तो इनको प्लेस कर दें। क्लोजिंग स्टॉक 14,000, तो स्टॉक आ गया हमारा 14,000 का। क्रेडिटर हमारे हैं 30,000 के, तो क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ 3600 के हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस 1400 के हैं। कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है वो दिया है 1250। तो कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 1250। एक बार देख लें कोई छूट रहा है। फर्नीचर ले लिया, स्टॉक ले लिया, डेटर क्रेडिट डेटर का बैलेंस नहीं है, निकालना होगा। इसका मतलब कुछ और एडजस्टमेंट दिए होंगे क्रेडिटर्स। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करें, क्रेडिटर अकाउंट को बैलेंस करें। तो ये आएगा हमारा क्रेडिटर अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो इस तरफ का टोटल है 1,14,000, 1,14,000 ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 91,200। ये बैलेंस क्या कहलाएगी, परचेज। सो परचेज हमारी 91,200। इसके बाद अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस करें, ये 20,000 है, ये 20,000 है, तो ये 3,500 का बैलेंस होगा। ये क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल का थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड लिख दीजिए। ठीक है, और है कुछ, अब जरा ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनाई थी उसमें देख लें उसका बैलेंस कितना आ रहा है। इस तरफ का टोटल जो बैलेंस शीट का है 12,28,63,600। तो यहाँ जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 37,600।
600, ये कैपिटल आया। तो ये हमारी 37,600, ये बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ वर्किंग नोट्स हैं। एक है कैलकुलेशन ऑफ सेल, समझ लीजिए। गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट 33/3% ऑफ सेल है, दैट इज 1/3 ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी 2/3 ऑफ सेल। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था आपका 16,000, 91,200 की डायरेक्ट परचेज है, और 1,800 रुपये का आपने फ्री सैंपल बांटा हुआ है। ठीक है जी। सो इसका जब टोटल करेंगे तो ये बनेगा 97,400। सो सेल क्या होगी? 97,400 × 3/2, 146,100। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा इसका? 1/3, दैट इज 48,700। ठीक है, इस डाटा को एक तो सेल्स में प्लेस कर दें, मतलब ट्रेडिंग पीएल में प्लेस कर दें। सेल आ गई आपकी 146,100, और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 48,700। ठीक है, दूसरा प्लेस करें डेटर्स में। सेल आई 146,100, तो अब डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा कि नहीं? इस तरफ का टोटल 178,900 बैलेंस आएगा, 178,20,40, तो 38,900। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया। क्लोजिंग बैलेंस 38,900 है। इनर कॉलम में क्यों लिखा? गौर से देखो, सबसे नीचे लिखा था कि 2.5% इस पर प्रोविजन बनाना है, प्रोवाइड 2.5% प्रोविजन। ठीक है, तो आप इस पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाउ मच? 2.5% आएगा 972, तो यह 37928। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 972 आपका यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है एडजस्टमेंट, जो इसमें हमने नहीं किया है और रह गया है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए बैलेंस शीट का टोटल हमने कर लिया है। अब कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर अकाउंट का टोटल हो गया, बीआर का हो गया, क्रेडिटर का हो गया, कैश एंड बैंक का टोटल करें जरा। ठीक है, इसमें देखें इस तरफ का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 132,650। तो बैलेंस आ रहा होगा कुछ? यस, आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 1808। और ये क्या है? ये आपकी एडिशनल ड्राइंग है। और जब एडिशनल ड्राइंग है तो वो कहाँ प्लेस होगी?
1808 आपकी एडिशनल ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में प्लेस हो जाएगी। ठीक है जी, अब एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कुछ पेंडिंग रह रहा है क्या? नहीं, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है वो देख लीजिए। हमने 4% इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं। कब खरीदे हैं 4% इन्वेस्टमेंट? हमने 4% इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, डेट दी है कुछ 1 जुलाई को, ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट एक्रू होगा, कितना? 200 पे 4% 6 महीने का 4 रुपया, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड 4 रुपया बस। और ये आपको पता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करो, ओपनिंग प्रीपेड ऐड करो, क्लोजिंग प्रीपेड लेस करो, ठीक है। कितने हैं? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 3600, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 4000, ओपनिंग प्रीपेड है 1200, क्लोजिंग प्रीपेड है 1400। ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये बचेगा 28400, ठीक है। इसका टोटल करें 1,60,000 1,61,900 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन या ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 48,700, ठीक है। यहाँ आ रहा है 51304 15582, यह है हमारा नेट प्रॉफिट 15582। ये आएगा 70974, ये टैली हो गया आपका, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा आपको। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू।